नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास सिक्स की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 20। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, ए बी रेखा पर बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाओ। तो आइए देख लेते हैं इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले ए बी रेखा ले लेंगे, तो इस तरह से आपने एक ए बी रेखा ले लेनी है, ए और बी। अब हमने क्या करना है, बिंदु ए पे हमने बनाना है 90 डिग्री का एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हमने बनाना है बिंदु ए पे। तो आपने ठीक वैसे ही करना है कि प्रकार पेंसिल लेके अपने हिसाब से आपने प्रकार छोटी बड़ी लगा लेनी है चाप। और इस तरह से सबसे पहले मैं बिंदु ए को पॉइंट आउट करती हूँ, थोड़ा सा इसको जो है डार्क कर देती हूँ। तो इस तरह से आपने चाप लगा लेनी है, सबसे पहले इस तरह से, और थोड़ी सी आपने आगे लेनी है इस तरह से थोड़ा सा। और यहाँ पे जहाँ पे ये ए बी को, यहाँ से जहाँ से हम स्टार्ट की है, इसको हम नाम दे देते हैं बिंदु पी। ये हमारा बिंदु पी आ जाता है। अब हमने प्रकार उतनी ही खोल के रखनी है और बिंदु पी पे रखनी है, और इस तरह से मैंने एक चाप लगा देनी है, और ये आपकी आ जाती है 60 डिग्री की, और इसका मैं नाम दे दूँगी बिंदु डी, ये वाली। अब मैं क्या करूँगी, प्रकार जैसे ये चाप यहाँ से पी से लगाई हमने, यहाँ के लिए 60 डिग्री का हो जाएगा ये चाप, पहली चाप। और जो दूसरी चाप हम लगाएंगे बिंदु डी से, तो डी पे हमने प्रकार रखनी है और इस तरह से हमने लगा लेनी है। और जो ये वाली जो चाप होती है आपकी, वो होगी आपकी 120 डिग्री की, 60 का ये वाली और 120 की ये वाली, और इसको हम नाम दे देंगे बिंदु आर। तो इस तरह से ये वाला हमारा बिंदु आर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रकार को उतना ही खोल के रखना है आपने, डी पे रखना है, और इस तरह से हमने इसको आगे बढ़ा देना है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु आर पे हम इसको रखेंगे, और यहाँ पे इस वाली चाप को हम आपस में कट कर देंगे इस तरह से। और जहाँ पे ये दोनों बिंदु आपस में कट रहे हैं, ये वाला बिंदु हमारा आ जाएगा बिंदु ई, इसको मैं नाम दे दूंगी बिंदु ई। अब इस बिंदु ई को हमने ए के साथ मिलाना है, तो इस तरह से हमने इसको मिलाना है, और ये वाली लाइन आपकी बिल्कुल सीधी आएगी इस तरह से, और हमने इसको डार्क लाइन में मिला लेना है। तो आप चाहे तो इसको इस तरह से आप यहाँ पे इसको 90 डिग्री का एंगल लिख सकते हैं। तो इसका नाम मैं दे देती हूँ सी, सी लाइन। तो इस तरह से ये पहली चाप हमारी 60 की और दूसरी चाप हमारी 120 डिग्री की होती है। तो 120 और 60 का अगर हम हाफ करते हैं तो वो होता है 90। तो इस तरह से कि दो चापे अगर हम जो है 60 से और 120 से लगाते हैं, तो वो जाके मिलती है 20 डिग्री पे, और वो एकदम से सीधी लाइन आ जाती है, यानी कि ये एक तरह से समकोण बन जाता है।